वेलकम गेमर्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रैश द गेमर द गेमिंग शो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ गेम्स के बारे में। ऐसे कि फ्रेंड्स, आप सबको गेम खेलना होता है, जिसके पास पीसी आप अगर सोचते हैं कि आप एंट्री लेवल गेमिंग पीसी खरीदना चाहते हैं और आपके पास अभी बिल्कुल भी बजट नहीं है बजट गेमिंग पीसी खरीदने के लिए भी, सो फ्रेंड्स आपको निराश होने का जरूर नहीं है। आपके पास अगर एक लो एंड पीसी भी है तो अभी भी आप उस पर गेम खेल सकते हैं और अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ट्रिपल ए गेमिंग आप नहीं कर सकते उस पर, क्योंकि वो काफ़ी हाई एंड मशीन उसके लिए चाहिए होता है। आपके पास अगर लो एंड पीसी है या आपको समझ नहीं है कौन सा गेम आप उस पर खेले, आप सारे अभी तो ढूंढते रहते हैं नेट पे कि GTA 5 मेरे पीसी में कैसे खेले। अब GTA 5 चलने वाला है नहीं उस पीसी में, तो अब GTA 5 के पीछे मत दौड़िए। या पबजी या जो भी फ्रंट नाइट वगैरह, वो आपके पीसी में नहीं चलने वाले। तो आपके पीसी के क्षमता के अनुसार अगर गेम खेलना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट दूंगा 4 या 5 गेम के टॉप 5 गेम प्ले, बहुत ही अच्छा गेम प्ले और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस गेम को खेल के। तो मैं यहाँ पे 5 गेम के बारे में बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, एक गेम काफ़ी अच्छा है और आपके कितने भी लो एंड पीसी हो, आपको ये गेम चला देगा आराम से। सो फ्रेंड्स, हमारा जो लिस्ट है 5 गेम, तो 5 से लेके 1 तक जाएगा। जो 5 है वो काफ़ी अच्छा है और जो 1 नंबर पे आएगा वो बहुत ही अच्छा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 5 गेम के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो हमारे नंबर 5 पे है वो है टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट का आप गेम प्ले देख सकते हैं इस पर, बहुत ही अच्छा गेम है। मतलब वर बेस गेम ही आर्मी बेस है, बट काफ़ी शानदार गेम है इसका गेम प्ले और FPS भी काफ़ी सही है। तो इस पर आप निराश नहीं होंगे, गेम काफ़ी अच्छा है। तो आप इस गेम को खेल सकते हैं और इस गेम प्ले का आप देख ही सकते हैं, इस पर मज़े लीजिए, बहुत ही अच्छा गेम है। इसको डाउनलोड कीजिएगा, ज़्यादा GB का भी नहीं है, तो इस गेम को आप इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में आराम से खेल सकते हैं। और इसमें रैम का जो रिक्वायरमेंट है 2 GB, अगर आपके पास 4 GB भी होगा तो काफ़ी सही है। सो फ्रेंड्स, और अगर प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर प्रोसेसर पर ये गेम आराम से रन करेगा। उसके बाद जो हमारे चौथे नंबर गेम पे आते हैं वो है बुली। तो स्कूलिंग लाइफ के बारे में बिल्कुल एक गेम है, एक स्टूडेंट्स का स्टोरी के ऊपर बना हुआ है। वो स्कूल में काफ़ी मस्ती धमाल करते रहते हैं पूरे स्कूल में, और तो दोस्तों के साथ मजाक मस्ती लड़ाई झगड़ा, बहुत अच्छा लगेगा गेम खेल के, आपको आपका स्कूल लाइफ याद दिला देगा ये गेम। सो फ्रेंड्स, इस गेम को आप आराम से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। इसको करीब 6 GB का हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए, 6 GB तक, और रैम इसको चाहिए आपको करीबन 4 GB होगा तो बेटर होगा, बट 3 GB पे सफिशेंट इस गेम को अब रन करा सकते हैं। डुअल कोर पे आराम से ये गेम चलेगा। और अगर आपके पास है पुराना कोई ग्राफिक कार्ड तो इस पे आप थोड़ा सा हाई एंड ग्राफिक्स, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पे इसको खेल सकते हैं और बेहतर FPS के लिए। बट पुराना गेम में इतना FPS मायने नहीं रखता था, बट गेम प्ले काफ़ी सही मिलेगा आपको। हमारा लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं वो है Fear 3। Fear 3 बहुत ही अच्छा गेम है, आप इस गेम को खेल सकते हैं। इसका सारे सीरीज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा हॉरर टाइप का गेम है और एक प्रिजन में रहता है दो दोस्त, वहाँ से जब बाहर निकलते उसके बाद का पूरा स्टोरी है। आप इस गेम को आराम से खेल सकते हैं आपके पीसी में, इसमें आपको बहुत ही अच्छा गेम प्ले मिलेगा और बिल्कुल मतलब FPS भी इस गेम का काफ़ी सही है। बट इस गेम का रिक्वायरमेंट जो है वो है 4 GB है। अगर आपके पास 4 GB नहीं है तो भी आप लो रिक्वायरमेंट, मतलब लो सेटिंग्स पे इस गेम को अपने कंप्यूटर में रन करा के खेल सकते हैं। Transport.
दूसरे नंबर पे हमने रखा है हिटमैन ब्लड मनी। ये काफ़ी पॉपुलर गेम रह चुका है, अभी कभी जो लेटेस्ट हेडमैन है, बट वो ट्रिपल ए बेस मतलब काफ़ी अच्छा, उसके लिए रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ता है, बट ये पुराना गेम काफ़ी हद तक चले, मैंने भी इस गेम को काफ़ी बार खेला है, काफ़ी पॉपुलर गेम रह चुका है उस टाइम के। सो फ्रेंड्स, इस गेम को आप अपने कंप्यूटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, 2 GB रैम पर आराम से गेम रन करेगा, और कितने भी पुराना हो P4 के ज़माने का गेम है, बट अभी भी इसका क्रेज़ बहुत है, मतलब आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो इसको आप आराम से खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा गेम प्ले और काफ़ी सारे मिशन है इसके अंदर, तो ये गेम आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्रिमिनल माइंड किस तरीके से होता है, मतलब सुपर किलर जैसे होता है ना, उस तरीके से है कि आप पैसा लेंगे और अपना मिशन पूरा करेंगे, उस तरीके से गेम है, तो काफ़ी अच्छा गेम है ये। इसके बाद हमारा जो एक नंबर पे हमने गेम रखा वो है कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वेलफेयर। तो ये मॉडर्न वेलफेयर जो है, ये गेम आपने खेला भी होगा, आपको पता भी होगा, ये काफ़ी अच्छा गेम है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है 4 GB का है, बट ये हम लो सेटिंग्स में इसको 2 GB कर सकते हैं, और इसको जो रैम है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अगर आपके पास है, सॉरी रैम के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आपके ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में ही आराम से चल जाएगा, या ऑनबोर्ड ग्राफिक्स अगर आपके पास है उस पर भी ये गेम आराम से रन करेगा, और इसका 4 GB तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है पास, बट आप इसको 3 GB या 2 GB रैम पे भी खेल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस गेम का जो ग्राफिक्स है, मैंने इस गेम को पर्सनली बहुत टाइम खेला है, पूरा मिशन मैंने इस पर कम्प्लीट किया है, शुरू से लेके एंड तक ये गेम काफ़ी अच्छे के आर्मी बेस गेम रहता है, आप एक कमांडो रहते हैं, मतलब आप एक ऑफिसर रहते हैं, उसके अंदर आपको कभी प्लेन चलाना रहता है, प्लेन से गोलाबारी करना रहता है, कभी टैंक भी देता है, कभी कार भी देता है, मतलब काफ़ी अच्छा गेम है इस पूरे जंग में, वर्ल्ड वॉर बेस गेम है, बाकी ये मॉडर्न है, तो आप इस गेम को आप आराम से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। तो मैंने 5 लिस्ट दिया इस गेम में से, अगर आपको अच्छा लगे कोई सा भी गेम तो आप इंस्टॉल कीजिए और इस गेम को आप खेल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक कमेंट और शेयर से कीजिए कि कितने लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अगर नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक करके भी जाइए, तो मुझे पता लगा कि मेरा वीडियो में कितना दम है और मेरा वीडियो कितना ख़राब है। सो फ्रेंड्स, मैं और भी इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।